नहीं शुरू किया। इसे कहते हैं मुसीबत को दावत देना। ये दीवार खिसकती है क्या? क्या यहाँ कोई छेद है? उसकी चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। आखिर वो एक महान निंजा जो श्रीमान रुकावट के लिए खेद है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे कमाल हो गया। क्या हुआ? आप कितनी अदा से चाय कप में डालते हैं? प्लीज मुझे भी अपनी लाजवाब निंजा टेक्निक्स दिखाइए ना। क्या आप भी मजाक करते हैं? इज्जतदार निंजा मास्टर ऐसे मुझे अपनी निंजा टेक्निक्स नहीं दिखाएगा। मुझे कोई ना कोई चाल चलकर अपना काम निकालना पड़ेगा। ओहो, मैंने बिल्कुल सही सुना था, राइटर बहुत ही अजीब होते हैं। शायद मुझे अपनी खुद की चाय पीने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। लीजिए और लीजिए। रुकिए मैं और चाय लेकर आता हूँ। लगता है वो मेरी निंजा टेक्निक को समझ गया, तभी तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। गर्मा गर्म चाय इतनी जल्दी पी गया, लगता है चाय का शौकीन है। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। और ये शुरू किया, ये तो मेरी खुशकिस्मती है श्रीमान। मुझे हर हाल में निंजा टेक्निक देखनी है, इसके लिए मेरी अगली चाल होगी। चल तो इसको मैं दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, राइटर जब कहानी ढूंढता है तो ऐसी ही गलतियां अक्सर करता है। इस बार भी ये मेरी चाल को समझ गया। शायद हथौड़ी के पापा एक महान निंजा है। बाप रे, कब तक इस अजीब आदमी को झेलना पड़ेगा? हथौड़ी जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना इसके साथ क्या क्या खेलना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? हथौड़ी इस छत के ऊपर वाले कमरे में रहता है। इसका मतलब मैंने सही ही सोचा था कि किसी भी निंजा के घर को एक नजर में समझ पाना मुमकिन नहीं है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं निंजा टेक्निक देखे बिना लौटने वाला नहीं हूँ। लगता है अब जान जोखिम में डालने का सही समय आ गया है। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? हम आ गए। रुक जाओ। आपको क्या हुआ है पापा? घर में कोई चोर घुस गया क्या? हथौड़ी, वो मशहूर राइटर हमारे घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गए हैं। मुझे पूरा यकीन है उनके दिमाग में कोई नई खिचड़ी पकड़ी है। अजीब बात है, उन्होंने मुझे अपनी किसी निंजा टेक्निक से बचाया ही नहीं। ओ, तो पापा वो आपको भी एक निंजा समझ रहे थे? तुम्हारे पापा और निंजा? तुम जानती नहीं हो उसकी वजह से मुझे कितनी सारी परेशानी झेलनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसे थोड़ा मजा चखाना चाहिए। डिंग डिंग, आखिर पापा को भी तो उसकी घटिया चाल की वजह से इतनी परेशानी हुई है, इसलिए अब परेशान होने की उसकी बारी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए पापा। हाँ, सही कहा। अब आएगा मजा। अरे बाबा, लगता है जूस मेरे लिए है, तो अब मैं जरा आराम से बैठकर जूस का मजा लेता हूँ। लेकिन ओपनर कहाँ है? अरे ये क्या था? चंगे भट्टे, पियो जूस और हो जाओ हट्टे कट्टे। मेरा शक सही था, ये कोई आम आदमी नहीं है। ओ, मुझे माफ करना, मैंने बैठने के लिए आपको कुछ दिया ही नहीं। ये हो ज्यादा गतियां लग गई, अब कुछ खा लीजिए। नहीं, खाना उड़ाने की निंजा टेक्निक। चलो इतना तो पता चल गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मुझे अपनी ईगा निंजा तलवार दिखा दीजिए, नहीं तो अब समझा आप मुझे बचाव करने की निंजा टेक्निक दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया हथौड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, अपनी इस घटिया हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोग खेल कर आ गए पापा। डिंग, यहाँ तो मिस्टर यूरोबा भी पहले से मौजूद है। थोड़ी तुम्हारे पापा भी एक बहुत महान निंजा है। हाँ हाँ, होंगे ही, आखिर वो पापा किसके हैं? डिंग डिंग, हमारे पापा पूरे टाउन में सबसे महान जबरदस्त निंजा है। वो नंबर वन है। आपका जवाब नहीं पापा। कोई बात नहीं, अभी मेरे किचन में बहुत सारे पकौड़े और बहुत सारा जूस बचा हुआ है। नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट फट जाएगा। वो कितने डर गए थे। वो कभी जूस और पकौड़े नहीं खाएगा। मुझे मिस्टर योरोमा के निंजा टेक्निक को लेकर ये पागलपन हमेशा याद रहेगा। डिंग डिंग, जान बचाने के लाखों उपाय। डिंग डिंग, डिंग डिंग।
पतंग उड़ाने के लिए आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। सुनो दोस्तों, जरा संभल कर पतंग उड़ाना। ओके, हम सब संभालेंगे बल्ले भाई। काश कि आज हमसे कोई गड़बड़ न हो। चिंता मत करो, हमने इंसानी पतंग बनाने का तरीका आपने ईगा गांव से सीखा है, इसलिए फिक्र मत। मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। चलो अब शुरू करते हैं। चलो हाँ चलो चलते हैं। बहुत ही अच्छी पतंग उड़ रही है, मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो और ऊपर जा रही है। पतंग के साथ उड़ने की ये ईगा निंजा टेक्निक तो बहुत कमाल की है। जिन्नी, अब मैं अपनी दूरबीन से देखता हूँ नीचे क्या चल रहा है। ये तो मम्मी है और वो मिठाई खरीद रही है। पता नहीं आज रात के खाने में मम्मी हमारे लिए क्या पकाने वाली है। लगता है आज मम्मी राजमा चावल बनाएंगी। डिंग, अरे ये तो यहाँ से सिर्फ बिस्किट ही खरीद रही है। आसमान से जमीन पर जाने वाली पहली खबर। शिंसो, शिंसो, क्या तुम मुझे अच्छी तरह से सुन सकते हो? हाँ बल्ले भाई, मैं सुन सकता हूँ। बल्ले भाई को मैसेज दे ले। मम्मी दुकान से बिस्किट खरीद रही है। लगता है आज रात हमें बिस्किट ही खाने को मिलने वाला है। ओवर एंड आउट। बिस्किट, मम्मी आज हमें खाने में बिस्किट देंगी। पता नहीं वो मुझे चॉकलेट रोल दोबारा कब खिलाएंगी। डिनिंग, डिनिंग, अरे वो तो चोर है, मुझे उसे पकड़वाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। हेलो हेलो शिंजो, हेलो शिंजो, ओवर एंड आउट। हाँ बल्ले भाई बोलिए, मैं क्या सुन सकता हूँ। ओवर एंड आउट। मैंने नीचे अभी एक चोर को देखा है और मैं उसे पकड़ने वाला हूँ, इसलिए तुम जरा पतंग की डोर को ढील देना। ओवर। ओके बल्ले भाई। बल्ले भाई ने चोर को देखा। क्या? उन्होंने कहा पतंग को ढील दो। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो वरना चोर भाग जाएगा। आखिर में बची गया। घर को अकेला छोड़ने से पहले लोगों को याद रखना चाहिए कि हम जैसे चोर उच्चक्के भी यहीं रहते हैं। अरे नहीं, ये तो 9:11 हो रहा है। डिंगिंग चोर को रोकने की निंजा टेक्निक। मेरा पैर। लगता है मेरी निंजा टेक्निक ने उसके होश उड़ा दिए हैं। अब क्या होगा? डिंगिंग, ये पुलिस वाला कितने मौके पर यहाँ आया है। धागे से खाना उड़ाने की निंजा टेक्निक। डिंगिंग, दुकानदार के पड़ा पाओ तब जाके मिला गरम गरम पाओ। मेरा पाओ उड़ के जा रहा है। पाओ पाओ। अरे बाप रे, लगता है अब हम जैसे चोरों को भी परेशान करने वाला कोई आ गया है। हद हो गई। चलो शुक्र है मेरा प्लान काम कर रहा है। आओ मेरे पास आओ। पाओ पाओ आओ। लगता है आजकल की पुलिस निकम्मी हो गई है। अरे दिखाई नहीं देता, सामने शरीफ आदमी आ रहा है। मुझे माफ कीजिएगा श्रीमान, वो मैं। तुम तो वही हो, मोस्ट वांटेड चोर। अरे बाप रे, पुलिस भागो। तू तो गया काम से। यार शुक्र, यार शुक्र। अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा ना? बिल्कुल करूंगा साहब। डिंग डिंग, चलो आखिर ये चोर तो पकड़ा गया। हेलो दोस्तों, मदद के लिए शुक्रिया। आखिर हमने चोर को पकड़वा ही दिया। ओवर एंड आउट। अरे वाह, बल्ले भाई ने चोर को पकड़वा दिया। क्या बात है? क्या नीचे पतंग की डोर छूट गई? अरे नहीं, पतंग की डोर तो उनके हाथ से छूट गई। अब मेरा क्या होगा? बल्ले भाई संभाल कर आ सकते हैं। अरे बाप रे, बचाओ कोई मुझे। डिंग डिंग डिंग, कुछ करना पड़ेगा वरना मैं आसमान से ऊपर चला जाऊंगा। हथौड़ी डरो मत हमारे। हाँ बल्ले भाई। चलो यहाँ से तो बच गया। शुक्र है, मुझे लगता है कि डोर खंभे में अटक गई है। अरे रे, क्या हो गया? शायद इस कालेपन की वजह से तुम मुझे अपना रिश्तेदार समझ रहे हो। अच्छा, तो तुम दूसरे कौवे से बचने के लिए भाग रहे हो। डिंग डिंग, ये वही कौवा है ना जो तुम्हें काफी देर से परेशान कर रहा था? अरे रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ यहाँ से। इससे मुश्किल और बढ़ गई। वेट फेंकने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, शुक्र है कि वो कौवा अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन मैं अभी भी खतरे के आसमान पर लटका हुआ हूँ। अब क्या करूँ? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? गिर जाऊंगा लगता है। तो ये बुरा कौवा अब मुझसे बदला ले रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम भी जाएगा।
लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। ये कौन सी अजीब सी टेक्निक है जिसने पतंग को रोक दिया? डिलिंग, ये तो वही कौवा है जिसे मैंने बचाया था और अब इसने मुझे बचा लिया। अगर ये ना होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। हथौड़ी, तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि आपको चोट तो नहीं लगी। डिंग डिंग नहीं शिंसो, बल्कि आसमान में उड़ने के बाद तुम्हें एकदम तरोताजा हो गया हूँ। डिंग डिंग, बारिश से हो गया हाल बेहाल। डिंग डिंग डिंग, डिंग 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 डिंग। मैंने सही सोचा। ओके बाय बच्चों। पापा रुकिए। हथौड़ी, तुम वहाँ ऊपर चढ़कर क्या कर रहे हो? जल्दी ही हमारे शहर में तूफान आने वाला है, इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ छाता जरूर ले जाइएगा। क्या कहा, तूफान? क्या बात कर रहे हो, आज तो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। आपका बेटा बहुत मजाकिया है सर। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान ने दिशा बदल ली है, मुझे कोई खतरा नहीं, शाम को मिलते हैं। सुनिए तो, मेरी चिंता मत करना। आसमान में पत्तियां उड़ाने की टेक्निक ने तूफान के आने का संकेत दिया है। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। मैं भी खेलूंगा कबड्डी। कबड्डी खेलना तो खाना नहीं तो। एक जबरदस्त तूफान ने अचानक ही अपनी दिशा बदल ली है और वो इस समय कई इलाकों में अपना कहर बरसा रहा है। आपके इलाके में वो कभी भी पहुंच सकता है, इसलिए घर से बाहर ना निकले। हथौड़ी का अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन मैं तो चाहता था कि मेरा अंदाजा गलत हो। इसीलिए तो पापा ने तुम्हारी बात नहीं मानी और छाता लिए बिना ही चले गए हथौड़ी। हाँ, जैसे तुम तो हथौड़ी की बात पर शुरू से ही भरोसा कर रहे थे ना। अच्छा ठीक है, मैं किसी को छाता लेकर आपके पास भेज देती हूँ। मैं स्टेशन पर जाकर पापा को अपने साथ ले आता हूँ। बाहर मौसम बहुत खराब है, तुम ये वाकई कर पाओगे? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं भी साथ जाऊँगा। और मैं भी। मौसम बहुत खराब है, मुझे पता था, अब मैं जाकर पापा को अपने साथ लेकर आता हूँ। हथौड़ी, संभल कर जाना बेटा, हवा को काट कर आगे बढ़ने की निंजा टेक्निक। काश आज मैंने हथौड़ी की बात मान ली होती और अपने साथ छाता ले आया होता। छाता? चलिए पापा, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं पापा। क्या तूफान आया है? थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, ये तूफान बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा छाता उड़ गया। और लेकिन छाते के साथ हथौड़ी भी उड़ गया। हथौड़ी रुक जाओ, रुको। हथौड़ी मेरी वजह से उड़ गया। काश मैंने हथौड़ी की बात मान ली होती और अपने साथ छाता ले आता तो ये सब नहीं होता। लेकिन हथौड़ी का क्या होगा? ये तूफानी हवा मुझे खा ले जाएगी। लगता है मुझे छाता बंद करने की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। अरे नहीं, यहाँ तो सब पानी पानी हो रहा है, पूरा शहर धुंधला बन गया। वाओ आइडिया, मुझे इस पानी और हवा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वोटिंग करने की निंजा टेक्निक। अगर ये पानी बढ़ गया तो मैं गया काम से। हथौड़ी ऊपर वाले का शुक्र है, हथौड़ी बेटा तुम आ गए।
मेरे जैसे ईगा निंजा के लिए ऐसे तूफान से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए चलते हैं। दिंग 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 दिंग। अब घर पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा बेटा? हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं पापा। कपड़े का छाता बनाने की निंजा टेक्निक। ये हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। शुक्र है हम सही सलामत पहुँच गए पापा। वो देखो सामने वो रहा हमारा घर। दिंगी इस तूफान ने हमारे घर का क्या हाल कर दिया है। मम्मी केनिची शिंजो शिचिबानो शिंजो। जरा ध्यान से देखो बेटा हमारा घर राइट में है लेफ्ट में नहीं है। डिंग डिंग शुक्र है हमारे घर को कुछ नहीं हुआ। सही कहा और वो तो हमारे पड़ोसी का घर है जिसका रिनोवेशन चल रहा है। माफ करना पापा तूफान से मेरी आंखें धुंधला गई है। डिंग डिंग बच्चे तो बच्चे टीचर भी डरपोक। डिंग डिंग तुम सबको शायद पता नहीं लेकिन आज से कई साल पहले स्कूल में रात में 5 अजीब अजीब चीजें हो चुकी हैं। 5 अजीब चीजें? हाँ सबसे पहले क्लासरूम के बाहर जो सीढ़ियां हैं उनमें से एक सीढ़ी अपने आप बढ़ गई। दूसरी म्यूजिक रूम का पियानो अचानक अपने आप बजने लगा। तीसरी ये कॉरिडोर जहाँ खत्म होता है उसके आगे अपने आप रास्ता बन गया। चौथी लेबोरेटरी में रखा स्केलेटन अचानक अपने आप डांस करने लगा। और पांचवी और आखिरी जिन बच्चों को हमेशा कॉरिडोर में खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है वो अचानक मोमबत्ती बनकर इधर उधर मंडराने लगे। आप सब डर गए ना? डरना भी चाहिए क्योंकि आप सबको बता दें मेरे भी पसीने छूटने लगे हैं। क्या हुआ आप लोगों ने कोई भूत देखा क्या? आप लोगों के चिल्लाने से ये घंटी नीचे गिर गई थी। कोई बात नहीं आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है। क्या हुआ सर? अब क्या होगा? हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था कि आपको डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। डर जैसा कुछ भी नहीं होता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। उस पेपर पर अपने पेरेंट्स के साइन करवाना मत भूलना जो मैंने आप सबको दिया है। मिल गया पेपर। आखिर इस समय कॉरिडोर की लाइट अचानक कैसे बंद हो गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ क्या बात है केनिची? बात यह है कि मुझे जोर की लगी है। अच्छा तो ये बात है हाँ? क्या तुम मेरे साथ टॉयलेट के अंदर चलोगे? लेकिन मुझे भी टॉयलेट नहीं जाना है केनिची। मैं चलूंगा। मैं तो अभी अभी हल्का होकर आया हूँ लेकिन फिर भी एक बार हल्का होकर आता हूँ ताकि बाद में आके ना जाना पहले। चलो हम साथ साथ चलते हैं। चलो केनिची। ये लोग भी ना डिंग डिंग डिंग। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैंने फेस पैक लगाया था बच्चों। मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हें वो पेपर मिल गया? शुक्र है युमिको की मम्मी ने मुझे फोन करके उस पेपर के बारे में बता दिया। अब जल्दी से ढूंढो। मुझे लगता है मैं उसे स्कूल में ही छोड़ आया हूँ। अभी जाकर ले आता हूँ। कबड्डी 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 आया ना वो पहाड़ के नीचे। ये सीढ़ियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन पहले तो ये सीढ़ियाँ सिर्फ नौ ही हुआ करती थी। म्यूजिक रूम उस तरफ है। भाई वाह बहुत अच्छे किए इन्हें मजा चखाते रहो। अगर तुम यहाँ से मुड़ोगे तो आगे रास्ता खत्म हो जाएगा। शिशि माने तुम आगे जाओ। रात में मेरी आंखों की बत्ती गुल हो जाती है इसलिए मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा। तुम एक निंजा डॉगी हो फिर तुम्हें ऐसी फालतू की बीमारी कैसे आ सकती है? ना मैं तो खुद ही चले जाऊँ ना। चलो सब साथ में चलते हैं। चलो क्या हो रहा है? तुमने क्या बताया शिशि मानो? डर के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। चलो फिर सब साथ में अपनी आंखें खोलते हैं। खोलो
बॉस, उन लोगों को डराने में मजा आ रहा है। अब लेबोरेटरी में जाना होगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज मुझे भी आ रही है। क्यों, तुम वहाँ पर कब गए? तुमने मेरे बताने के पहले ही काम कर दिया। बॉस, मैं तो आपके पापा पास ही खड़ा हूँ। ओए, तो क्या इसका मतलब है कि वो डिनिन, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये अमारा का ही काम था। दोस्तों, क्या तुमने सुना? किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। नहीं सुनी। अरे बाबा, उसकी चिंता छोड़ो और जल्दी से यहाँ से पतली गली पकड़ कर निकल लेते हैं। मारा तुम? वहाँ देखो। डिनिन, ये तो मैं हूँ दोस्तों। धोखेबाज कहीं के, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से ना आते देखा जाता तो फिर क्या करते? मुझे माफ कर दो दोस्तों। वो क्या है? तुम नहीं सुधरोगे ना हमारा। ये तुम्हारी ही कोई नई चाल है ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये क्या है? ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पहले सजा मिलती थी। भूतिया कैंडल्स को दूर करने की निंजा टेक्निक। ये कौन था? किसने किया ये? ये बकरी जैसी भद्दी आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। शायद वो हमारे सर है। वो हमारे सर है। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था, बस ऐसे ही चक्कर मारने बाहर आ गया था। हमें माफ कर दीजिए। मैं शोर सुनकर देखने आया और तुमने मेरी ये हालत कर दी। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने आपको कुछ और समझ लिया था। आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्योंकि शर्मिंदा गए थे। चुप रहो, खबरदार, तुम लोगों ने इस बारे में दोबारा कोई बात की तो। यहाँ तो टीचर ही डरपोक है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? डिंग डिंग डिंग।